नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपको लर्निंग दिखाता हूँ। ये देखिएगा 9:03 पहले, यानी कि यहाँ पे मार्केट ओपन नहीं है। क्या आएगा? अप ट्रेंड आएगा। कितना आएगा? 80 पॉइंट्स का। ये देखिए 9:16, यानी कि एक मिनट में। ये देखिए 6:15 पे मार्केट खुला, 7:10 का हाई लगाया, 100 पॉइंट मिले। ये देखिए अर्निंग। अगर आप भी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन आपको जल्दी देखने को मिलेगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है जॉब सीकर्स की, जॉब करने वालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और बिजनेसमैन की भी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। मार्केट में और पैसा आने वाला है, मार्केट में और इंटरेस्ट आने वाला है, बिग शॉक से रिटेल इन्वेस्टर बचने वाले हैं। सो मैनी थिंग्स देखिएगा, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसका देखिएगा एक सॉल्यूशन आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मिंट से अपडेट आ रही है कि NSE ने जो दिसंबर में प्रपोजल रखा था ब्रोकर्स के सामने कि हमें क्या ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने चाहिए, तो उस पे देखिएगा NSE ने प्लान को एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स को देखिएगा पूरी तरीके से प्लान कर लिया है और जल्दी हो सकता है, जल्द से जल्द हो सकता है आपको इंडियन स्टॉक मार्केट 10 घंटे के आसपास खुलते हुए देखने को मिले। 10 घंटे के आसपास आपको यहाँ पे मार्केट खुला हुआ देखने को मिलेगा। शाम को भी आप ट्रेड कर सकते हो, आप दोपहर में टाइम नहीं मिल पाया, 5 बजे के बाद बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5 बजे के बाद बहुत सारे बिजनेसमैन फ्री होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो स्कूल से आते हैं या फिर कॉलेजेस से आते हैं, 4-5 बजे फ्री होते हैं, उसके बाद वो ट्रेड करना चाहते हैं या बैक टेस्ट करना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है कि NSE प्लान कर रहा है ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ाने के लिए। और इससे कितने फ़ायदे होंगे ये मैं एक एक करके आपको बताऊँगा और इसका पूरा प्रोसीजर कब तक आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे ट्रेडिंग आवर्स फॉर डेरिवेटिव सेगमेंट ऑल्सो, और देखिएगा आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव सेगमेंट में यहाँ पे फॉर इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग बिटवीन जो टाइम रहेगा तो वो रहेगा 6 PM से 9 PM, लाइकली टू बी प्रपोज बाय स्टॉक एक्सचेंज द रिपोर्ट सेड। तो आप देख सकते हैं टाइम भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज है, फाइनलाइजिंग इट्स प्लान एक्सटेंड द इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग आवर्स इन फेज्ड मैनर विद एन एम टू ऑफर अपॉर्चुनिटी डोमेस्टिक ट्रेडर टू रिएक्ट ग्लोबल इवेंट। यानी कि जो भी पहला देखिएगा फायदा, सबसे बड़ा जो बिग शॉक होते हैं वो आते हैं ग्लोबल मार्केट से रात को, और हमारा मार्केट बंद होता है, हम BTST लेके चले जाते हैं और फिर अचानक से हमारी पोजीशन ही चेंज हो जाती है क्योंकि रात का ट्रेंड हम कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी डोमेस्टिक ट्रेडर के कि वो रात के ग्लोबल इवेंट को भी ग्रैब करके ट्रेड कर सकते हैं। और आफ्टर दैट, आफ्टर देखिएगा 6 to 9 PM देखिएगा दे कैन टेक पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे ऑल्सो, क्योंकि 9:15 पे मार्केट खुलेगा अगले दिन। तो वहां पे क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको पता है आपने ग्लोबल इवेंट को भी कैप्चर कर लिया है, लाइक गिफ्ट निफ्टी। ये देखिएगा सबसे बड़ी बात होगी कि बिग शॉक जो लगते हैं मार्केट को अचानक से, रात में कुछ हो गया, अचानक से मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप अप खुल गया, अदर मार्केट फ्लैट हैं, तो इसलिए होता है चूंकि हमारे ट्रेडिंग आवर्स 3:30 बजे तक हैं और मैक्सिमम देखिएगा ग्लोबल मार्केट देखिएगा 6-7 बजे के बाद खुलते हैं। तो ये पहली चीज़ हो जाएगी। बिग शॉक से देखिएगा बड़े लॉस होते हैं रिटेल इन्वेस्टर को, वो नहीं होंगे। फिर आपकी जो प्रिडिक्शन है वो और बेटर होने लगेगी, आपकी जो प्रिडिक्शन है वो और बेटर होने लगेगी और इससे केवल फायदे ही फायदे होंगे क्योंकि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो पर्टिकुलर लोग FNO सेगमेंट में 9:15 से 30:30 के बीच में ट्रेड नहीं कर पाते हैं वो आराम से ट्रेड कर सकते हैं आफ्टर देयर ऑफिस आवर्स और आफ्टर देयर बिजनेस आवर्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन देखिएगा ऑल्सो माइट बी 11:30 PM तक भी हो सकता है, ये भी प्लान किया जा रहा है। और आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें सेबी से अप्रूवल के लिए यहाँ पे देखिएगा NSE ने बात करी है, और जैसे ही ये आता है, जैसे ही ये देखिएगा आता है,
तो आप समझ लीजिए, फिर आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आर से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ये देखिएगा रिएक्शन ऑफ ग्लोबल न्यूज़ इवेंट, यूएस स्टॉक मार्केट, और देखिएगा सो मैनी थिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मार्केट की लिक्विडिटी, मार्केट के ट्रेडिंग आर्स, मार्केट के देखिएगा शॉक्स काफ़ी बेटर वे में होने वाले हैं, मार्केट की नॉलेज काफ़ी बेटर में होने वाली है। तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है, इसका रिएक्शन बड़ा आएगा, बड़ी रैली आएगी जब ये अप्रूवल आ जाएगा। और अभी भी देखिएगा ये एक मार्केट को प्रॉफिट मेकिंग देखिएगा वे में ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।